जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके चैनल 11 क्लास में। मैं मानव मिश्रा आपका स्वागत करता हूं। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले जनरल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो अभी फिलहाल SSC GD एंड UPSI की जो वैकेंसी आने वाली है उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, और वीडियो को स्किप मत करिएगा। अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर नहीं होंगी। तो जी हाँ दोस्तों, अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिए, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। जी हाँ दोस्तों, ये हमारा साइंस का पार्ट थर्ड, अगर अभी तक आपने हमारे पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप लोग वीडियो को वॉच कीजिए। चलिए दोस्तों, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, ब्लड कैंसर को आमतौर पर ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है भाई? ल्यूकेमिया के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर के उपचार में किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों, कैंसर के उपचार में कीमोथेरेपी का यूज किया जाता है। किसका करते हैं भाई? कीमोथेरेपी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मलेरिया परजीवी की कौन सी अवस्था संक्रामक है? तो ये दोस्तों स्पोरोजोआइट दोस्तों मलेरिया परजीवी की संक्रामक अवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है? तो ये किसका है भाई? मरास्मस। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम ऑफ यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेप्रोसी बेसिलस की खोज किसने की थी? तो ये की थी दोस्तों हेंसन ने ही लेप्रोसी बेसिलस की खोज की थी। नेक्स्ट है, थैलासेमिया रोग प्रभावित करता है किसको भाई? प्रभावित करता है ये ब्लड को, यानी कि खून। निद्रालु व्याधि रोग की वाहक है तो ये सेठसी मक्खी। कौन सी भाई? सेठसी मक्खी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मा में जल का कितने प्रतिशत होता है? दोस्तों, तो प्लाज्मा में जल का होता है 90% दोस्तों, जल होता है प्लाज्मा में, जो जल होता है दोस्तों 90% होता है एप्रोक्सीमेट। नेक्स्ट है, एक ग्लास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? तो 0 कैलोरी, यानी कि आप अगर एक ग्लास पानी पीते हैं तो उसे हमें कितनी 0 कैलोरी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम एक होता है, क्या होता है भाई? प्रोटीन होता है। गोल्डन चावल किसका प्रचुरतम स्रोत है? तो विटामिन ए गोल्डन चावल का प्रचुरतम स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? दोस्तों, तो ये विटामिन है, यानी रतौंधी रोग का संबंध दोस्तों आँखों से रिलेटेड है। कभी कभी होता क्या है, जिन व्यक्तियों की आँखों में साफ दिखाई नहीं देता, जैसे आँखों से संबंधित जितनी भी बीमारियाँ होती हैं दोस्तों विटामिन ए से ही होती हैं कमी से। इसका जो सबसे अच्छा स्रोत है दोस्तों गाजर है। अगर आपने हमारे विटामिन से रिलेटेड टॉपिक नहीं देखा है तो मैं आप प्लेलिस्ट में जाइए और विटामिन से रिलेटेड मैंने क्विज और सभी क्वेश्चंस करा रखे हैं, तो आप विटामिन पूरा चैप्टर पढ़ लीजिए जिससे आपको विटामिन चैप्टर क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है? तो ये पाया जाता है सोयाबीन दाल में। सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है भाई? तो ये होता है सोयाबीन दाल में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी खिलाड़ी को तत्काल ऊर्जा के लिए क्या दिया जाता है? तो किसी भी खिलाड़ी को तत्काल ऊर्जा के लिए क्या देते हैं भाई? ग्लूकोज। आप लोग देखे होंगे TV वगैरह पे, क्रिकेट वगैरह पे, कि जो लोग होते हैं जैसे खेलते खेलते उनके लिए कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, तो क्या होता है? ग्लूकोज दिया जाता है, जिससे उनको क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो ये डायलिसिस। ठीक है दोस्तों, डायलिसिस दोस्तों जब सबसे ज़्यादा किडनी रोगी होते हैं जो, वो ज़्यादा कराते हैं जिससे उनका ब्लड साफ किया जाता है। जंतु विज्ञान की खोज किसने की थी दोस्तों? तो ये अरस्तु ने की थी जंतु विज्ञान की खोज। विकिरण अनुवांशिकी की खोज किसने की थी दोस्तों? तो ये की थी एच जे मूलर ने विकिरण अनुवांशिकी की खोज की थी। आधुनिक अनुवांशिकी की खोज किसने की थी? तो ये की थी बेटसन ने। किसने? बेटसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक शारीरिकी की खोज किसने की थी? तो ये की थी एड्रास विसेलियस जी ने आधुनिक शारीरिकी की खोज की थी। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी दोस्तों? तो ये की थी विलियम हार्वे जी ने। यहाँ दोस्तों रक्त परिसंचरण, हमारे शरीर में रक्त का कैसे संचार होता है उससे संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं उनको विलियम हार्वे जी ने बताया था। वर्गीकी की खोज किसने की थी? तो ये की थी केरोलस लीनियस ने वर्गीकी की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहते हैं दोस्तों? तो ये कहा जाता है हिप्पोक्रेटस को दोस्तों चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। उत्परिवर्तनवाद का जनक किसे कहते हैं दोस्तों? ये कहते हैं ह्यूगो डी ब्रिज को। यहाँ दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम ऑफ यू आपके एग्जाम में से पूछा गया क्वेश्चन है ये उत्परिवर्तनवाद वाला। माइक्रोस्कोपी, यहाँ दोस्तों माइक्रोस्कोपी की खोज किसने की थी? तो ये की थी दोस्तों मार्सेलो मालपीजी ने माइक्रोस्कोपी की खोज की थी। जो दोस्तों ये आने वाले जो हमारे SSC GD और UP SSC के जितने भी एग्जाम्स उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीवाणु विज्ञान की खोज किसने की थी भाई? तो जीवाणु विज्ञान की खोज की थी रॉबर्ट कोच जी ने। प्रतिरक्षा विज्ञान की खोज किसने की थी? तो ये की थी दोस्तों एडवर्ड जेनर ने ही प्रतिरक्षा विज्ञान की खोज की थी। नेक्स्ट है,
जीवाश्म विज्ञान, जीवाश्म विज्ञान की खोज किसने की थी? तो ये की थी लियोनार्डो दी विंची, इन्होंने जीवाश्म विज्ञान की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सूक्ष्म जैविकी, सूक्ष्म जैविकी की खोज किसने की थी? तो ये की थी लुई पाश्चर ने, किसने? लुई पाश्चर ने। यहाँ दोस्तों अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। यहाँ दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जीरोन्टोलॉजी, जीरोन्टोलॉजी में क्या है दोस्तों? इसकी खोज की थी व्लादिमीर कोरेनचेस्की ने, किसने की थी भाई? व्लादिमीर कोरेनचेस्की ने। एंडोक्राइनोलॉजी खोज किसने की थी? तो ये की थी दोस्तों थॉमस एडिसन ने, थॉमस एडिसन ने एंडोक्राइनोलॉजी की खोज की थी। आधुनिक भ्रूण की इसकी खोज किसने की थी भाई? तो इसके जनक जो है दोस्तों कार्ल ई वान वेयर, कौन है भाई? कार्ल ई वान वेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वनस्पति शास्त्र के जनक कौन है दोस्तों? तो वनस्पति शास्त्र के जनक है थियोफेस्टस। पादप रोग विज्ञान के जनक है दोस्तों एजे बटलर। पादप क्रिया विज्ञान के जो दोस्तों जनक है स्टीफन हेल्स, कौन है भाई? स्टीफन हेल्स। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। बैक्टीरिया फोज के बैक्टीरियोफेज के जनक किस कौन है? तो ये टार्टो डियरिल। सुजननकी के जनक कौन है? फ्रांसिस गाल्टन। यहाँ दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जी एस भाई मानस मिश्रा ज्वाइन एवन क्लास स्टडी ग्रुप, टेलीग्राम का लिंक मैंने दे रखा है इस वीडियो को पीडीएफ पाने के लिए, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो जय हिंद दोस्तों, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।